और शायद ऐसा लग रहा है ऐसे ही 3-4 दिन तक ऐसे ही स्नोस्टॉर्म होता रहेगा। हमारा टेंट का तो कोई भरोसा नहीं है। ये देखो ऐसे होते हैं स्नोस्टॉर्म। उस पत्थर के पास शायद था नहीं गया 30,000 का सामान गाइस। दो टेंट उसके साथ और भी सामान थे सारे गए। इसमें इस शक्ल पे मत जाओ है ना। भाई साहब क्या भयानक स्नोस्टॉर्म हो रही है बाहर। ओ भाई भाई साहब ये भाई क्या ही नजारे है भाई। जन्नत तो यही है। ओ भाई जन्नत में आपका। भाई साहब ये क्या ही नजारा है। ये पूरा हिमालयज है ना। देखिए पूरा हिमालयज रेंज यहाँ से कितना किलोमीटर किलोमीटर तक ऐसे ही है पूरा। तो यार कुछ कह नहीं सकते अगर लगाएं तो 1,000 किलोमीटर के आसपास पूरा। 1,000 किलोमीटर तक पूरा ऐसे ही है। भाई साहब क्या गजब तो दिख रहा है। कोने में भी बर्फ है उस कोने में। जब मौसम ख़राब हुआ था तब यहाँ पे बिजली गिरी है और हम लोग सोच रहे हैं यहीं आसपास टेंट लगाने की। और टेंट लगाते वक्त ही अगर मौसम ख़राब हो गया तो फिर हम भी रोस्ट हमारा रोस्टेड मतलब मीट खाएंगे जानवर लोग आके बढ़िया से। बोले चलो बढ़िया कैंपिंग हो गया टेंट के अंदर बैठ के रोस्टेड मीट। रिस्क है हर जगह पर और यहाँ पर हवा बहुत तेज़ है। हम लोग अभी डिसाइड कर रहे हैं कहाँ पर हमारा जो टेंट सेट करें। सो गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का कैंपिंग भाई जो बहुत दिनों से बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था वो कैंपिंग करने आ गए भाई। स्नो में ग्रुप कैंपिंग भाई गजब की होने वाली है आज की वीडियो। होप वही करते हैं भाई गजब की। भाई हम मज़े लेंगे या फिर नेचर हमारा गजब की मज़े लेगा वो अलग बात है ठीक है ना। क्योंकि ये जो जगह है ना यहाँ पे अभी टेम्परेचर करीब -6-7 होगा। नहीं तेज भाई -6-7 होगा। उसके ऊपर से बहुत तेज़ हवा बीच से भाई हाथ बात पूरा सुन पड़ गए हैं। और इस बीच हम लोग का मतलब यहाँ पे जो टेंट पिच कर रहे हैं अगर बहुत तेज़ हवा हुई तो टेंट उड़ने का भी चांसेस है। और टेंट के साथ साथ हम लोग भी उड़ के पूरा ओ देखिए हिमालय घूम के आ सकते हैं ना बढ़िया से।
बस होप करते वो सारा दिक्कत ना आए, बढ़िया से हम लोग यहाँ पे कैंपिंग करें, जो जो सारा चीज़ प्लान किए है वो सारा यहाँ पे बना पाए, एंजॉय कर पाए, सब कुछ कर पाए, लेकिन सारा चीज़ तो हमारे हाथ में है नहीं, है ना, सारा चीज़ हवा के हाथ में है, नेचर के हाथ में है, तो नेचर हम लोग को जैसे मतलब परमिशन देगा करने के लिए उतना तक कर लेंगे, बहुत कुछ तो प्लान करके आए हैं, अगर नहीं कर पाए उसके लिए पहले से सॉरी। तो बस चलो अभी ज़्यादा बातें ना करके जल्दी से यहाँ पे टेंट पिच कर लेते हैं और उसके बाद आगे का देखते हैं। और यहाँ पे हम तीनों लगाएंगे टेंट, है ना, चलो चलो जल्दी से टेंट लगाते हैं, कम शॉट लेके, चार्ज बहुत कम रहता है, पहले ये काम करना पड़ेगा, क्या पैरों से पूरा दबाना पड़ेगा, ये एरिया पूरा पैरों से दबाना पड़ेगा, चलो दबा लेते बढ़िया से। यहाँ पे तो एक टेंट लगेगा ना, इसको पूरा पैर से दबा के सीधा करना पड़ेगा, मजा आ रहा है ना, अभी थोड़ी देर में मजा सजा बन जाएगा, अगर ये हवा नहीं होती ना तो फिर अच्छा होता, तो फिर अच्छा होता, फाइनली हम लोग का टेंट पूरा सेट हो गया दोनों, ये रहा तेजस भाई का टेंट और ये रहा हमारा टेंट, भाई जितना पॉसिबल हो सके स्नो में धंसा के पूरा चारों ओर से इसको सिक्योर कर दिए हैं, होप करता हूँ अगर बहुत तेज़ हवा आए हम लोग को उड़ा के ना लेके जाए, ना। और भाई इस चीज़ में भाई हम लोग का पैर का हालत बड़ा बुरा है, पूरा गीला हो गया है शू, पैर पूरा जम रहा है, नहीं सुन पड़ गए, पूरा सुन पड़ गए। तो चलो जल्दी से अभी सामान वगैरह सारा अंदर रखते हैं और गर्मा गर्म चाय बना के पीते हैं ना, तभी जाके मज़ा आएगा फिर ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म चाय, क्योंकि सुबह से हम लोग कुछ खाए नहीं है, भूख लग गया है, अभी जल्दी से चाय बनाते हैं। एक चीज़ क्या पता है, यहाँ पे बैठा हूँ भयानक गर्मी लग रहा है, लेकिन नीचे से भाई मस्त ठंडा जमा देने वाली, ऐसे बैठे हो तो सोचो क्या क्या जम रहे होंगे। तेज भाई आ जाओ चाय बनाते हैं, आ जाओ तो चलो भाई अभी ये ठंड को थोड़ा कम करते हैं और गर्मा गर्म चाय पीते हैं तेजस भाई के हाथ से, कि सुबह का भूख ना चाय से मिलने वाली है। पानी तो गर्म हो गया, अभी मिल्क डाल देते ना, चाय में चीनी डाल रही है, चलो और हम लोग देखो पैसे पूरा चारों बैठे हैं एक के पीछे एक, क्योंकि यहाँ पे क्या बैठे, यहाँ पे क्या है ना, चाय पीने का मन करेगा हर टाइम, कर रहा नहीं, हाँ बिल्कुल भयानक कर रहा है, मुझे जिंदगी में ऐसे चाय पीने का मन कभी नहीं हुआ है, जहाँ पे तुम दो बार चाय पीते हो वहाँ पे चार पांच बार पीने का मन करेगा भाई सुबह शाम दिन, क्योंकि ठंड ठंड दिन, इसका आइडिया बिल्कुल था नहीं, वरना से एक किलो चीनी लेके आते हैं सही में, एक चीज क्या है अभी एक फील आ रहा है, धूप जब धूप है जबरदस्त गर्मी लग रहा है, ठीक है ना, और फिर से अभी हवा आया भयानक ठंड,
फिर हवा खत्म, गर्मी, और नीचे से तो भाई मत बोलो क्या ही है। बिना मैट का कोई बैठ नहीं सकता। लेकिन बड़ा मजा आ रहा है। आ रही है तेज भाई, और अपने पास गैस भी उतना नहीं है। गैस भी उतना नहीं है, बस अब मजा। ओ भाई यही तो स्टैंड का मजा है। और भाई अगर आप लोगों को व्यू देखना है, कोई दिक्कत की बात है नहीं, दिखा देंगे। और कितना बढ़िया गजब चाय बन रही है। चाय पत्ती डाल लो। चाय पत्ती गिर गई, खुशबू तो बहुत अच्छी है। तीन तो डल गई ना, और थोड़ा देर। बस अब बोलते हैं, ये है चाय, ये तेजस भाई, और ये है नजारे। और बताओ नजारा कैसा लग रहा है? गजब। ये सोच के डालना कि चार लोग हैं। ये सोच के मत डालना तीन लोग हैं। लो टिंकू चाय, गर्मा गर्म चाय, ठंडे ठंडे मौसम में ये है तुषार का। ये लो, चीज भाई। चीज पहले पी दी हम ठंडे ठंडे मौसम में भाई। हम लोग को पूरा प्रॉपर स्नो में पहला चाय, पहला नहीं चाय। हाँ मजा आ गया। आप लोग ही लेना है ऐसा चाय का मजा। आ जाओ आ जाओ। बढ़िया कैसा लगा टिंकू भाई चाय? एक गरम चाय की प्याली हो ऐसे सुनो वाली हो नहीं। गरम चाय की प्याली हो, मेरा कभी वही मन कर रहा था कि बर्फ के ऊपर जाके बैठ के चाय पिए। सब कर रहे तो ये चीज तो करना बनता ही है, है ना देश भाई? इतना तो बनता ही है। जबरदस्त आ रहा है, नहीं सही में इसी का अलग मजा है। फट रहा है हालांकि, लेकिन फिर मजा आ रहा है। हाँ भाई सब जैकेट पहने, मैं जैकेट भी नहीं पहना हूँ, पैर जम गए, लेकिन जोश अब तक जारी है। तो क्या इतने जगह नहीं बन रहा है क्या? तुम हटो साइड में भाई। नहीं, 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 चाय तो आइस बन गई मेरी। क्या बात कर रहे हो? मेरी गर्म है। कैसे लगा है वाला आइडिया? ठंड होगी चाय। लगा आइडिया, आइडिया अच्छा था। जबरदस्त समय से काम काम के चाय पी रहे भाई, इसका मजा ही कुछ और है। वहाँ पे वो ऊपर टॉप ये टॉप पे इधर भी हो रही है शायद, यहाँ पे पूरा हो रहा है ना, यहाँ भी हमें देखने की मिल जाएगी आज। है हो सकती है, सुनो हो सकता है भाई, दिला दो थोड़ी देर के लिए, ज्यादा नहीं। करके हम अपना तेल का कुआं खोद रहे हैं। तेल का कुआं खोद, बिल्डिंग कहाँ गया? जो बिल्डिंग बना रहे क्या है तेल का कुआं? तो बचपन में ऐसे करते ना हम लोग, तो बचपन में रेत से खेलते थे, ऐसे करते थे, घर बनाया करते थे, मस्त मस्त। थोड़ा ग्लास का रख देते हैं, जाकर मस्त लगेगा रे बाबा। तो चलो यहाँ पे ऐसे बैठ के क्या ही करे, कार्ड्स खेलते हैं ना, क्या बोलते हो? यहाँ पे बढ़िया पूरा चारों तीनों मैट बिछा देते हैं, और एक सूरज का मजा लेते हुए कार्ड्स खेलते हैं, और होप करते कि बादल उसको ढक ना दे, क्योंकि देखो करीब करीब ढकने के कगार पर है, सूरज वहां पर है और ये बादल ढक ना दे भाई। ये हो गया भाई, तेजस भाई के साथ पहली बार हम लोग खेल रहे हैं कार्ड्स। अभी हम लोग खेलेंगे कॉल ब्रेक, है ना? कॉल ब्रेक, बस मुझे कॉल ब्रेक आता है। तेज भाई को सिर्फ कॉल ब्रेक ही थोड़ा बहुत आता है, हम लोगों को तो बहुत कुछ आता है। ये लो भाई, क्या ही दे दिए। नहीं है, नहीं है। लाओ लाओ लाओ। ठीक है, अरे वाह क्या मिला कलर में, देखो
किंगू किंगू गाड़ी में कुछ थे क्या? ये गाड़ी में कुछ था अभी हम लोग अंदर आके जो कार्ड्स खेल रहे थे, खेलते खेलते अभी टाइम करीब 2:30 हो गए ना, भूख लगने लगा है सबको, तो चलो अभी बनाते हैं क्या ना पॉपकॉर्न, क्योंकि हमारे पास कोई ज्यादा ऑप्शन बचा नहीं है। नहीं। हम लोग यहाँ पे ये हम लोग का दूसरा दिन रहता है, लेकिन तीसरा दिन हाँ, लेकिन आने में लेट हो गया, तभी जाकर खाना वाना का थोड़ा शॉर्टेज है, तो चलो एडजस्ट करते हैं, ये भी अलग मजा है ना। अभी खाएंगे हम पॉपकॉर्न। सब पूरा बुक्कड़ जैसा पूरा बैठे चारों ओर, कार्ड्स खेलना छोड़ के ही इसी में ही सबका फोकस नजर वही है। ये बन जाए ना बढ़िया, फिर से कार्ड खेलना शुरू करेंगे और खाएंगे पॉपकॉर्न के साथ, कार्ड का मजा लेते हैं बढ़िया से। इससे क्या बेटर हो ही सकता है बताओ? कार्ड खेलते रह जाओ, मैं खा लूँ सारा पहले। खा लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को भूख ना लगती नहीं है ना। वाह कलर बहुत सही मस्त वाला दिया ना। बस काम करते, कार्ड बांट रहे हो, कैमरा पकड़ा हुआ है हम कार्ड नहीं 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 कार्ड बांटो, ये कैमरा पकड़ा है कैमरा बंद, पहले बांटो फिर से बीच में खा रहे हो आके। ये जिंदगी क्या था तुषार का डायलॉग, जो जिंदगी जो जिंदगी कभी जीने की उम्मीद करते थे आज वो जिंदगी सच में जी रहे हैं। ये बहुत डीप लाइंस है नहीं, वो एक्चुअली सही में सही जो जिंदगी हम लोग सोचे थे कि सपने देखे थे जिएंगे स्नोफॉल, और आज वो जिंदगी हम लोग जी रहे हैं, और उसके लिए सबसे बड़ा थैंक यू भाई तेजस भाई को। कलर क्या है यहाँ पे? तेजस भाई नहीं होता तो हम लोग ये भाई और कितने टाइम लग जाते पता नहीं, ऐसे लाइव जीने में मजा पता नहीं। गाइज हम लोग अंदर खेल रहे थे, अभी आवाज़ आ रहा है स्नोफॉल का शायद, पर देख लेते कुछ दिखने के लिए मिल जाए, इतना धूप में फिर स्नोफॉल कैसे। अरे स्नोफॉल हो रहा है रे, हाँ हाँ दिख रहा है, क्योंकि इसे पता नहीं दिख रहा है स्नोफॉल हो रहा है रे। आ जाओ स्नोफॉल गाइज, स्नोफॉल पहली बार स्नोफॉल एंजॉय कर रही, तो अभी धूप में ओहो स्नोफॉल गाइस देखिए, अगर यहाँ पे दिख रहा है तो ये देखो स्नो गिर रहे, खत्म हो गए, खत्म नहीं अभी भी आ रहे, अभी भी हो रहा है देखिए टेंट के ऊपर, ये देखिए स्नो गिर रहा है पूरा, ये स्नोफॉल, ये स्नोफॉल, ओ भाई साहब मजा आ गया स्नोफॉल। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, इसमें दिखेगा पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा देखिए व्हाइट व्हाइट कलर का पूरा, अच्छा खासा हो रहा है देखो, अच्छा खासा स्नोफॉल हो रहा है, और तेज हो जा भाई धूप के साथ स्नोफॉल, और क्या चाहिए, लाइव स्नोफॉल देख लिए गाइस, और जिंदगी में कुछ चाहिए नहीं। तो फिर रात में भी होगा भाई साहब स्नोफॉल, पूरा टेंट ढक जाएगा, अच्छा खासा देखो तेज हो रहा है, पूरा तेज हो रहा है, यही तो मजा है भाई, मजा बहुत ही हो रहा है देखो, हाँ बहुत हो रहा है, और तेज हो जाए फिर मजा आ जाएगा नहीं, होगा पूरा हल्का, ये देखो स्नो गिरा हाथ में, ये रहा गिरा सब कुछ मिल गया हमें स्नोफॉल, अभी बस होप करते हैं कल सुबह उठते उठते टेंट पर ढक जाए स्नो से भाई साहब, मजा आ गया। अभी है शाम के बजे है 5 और बहुत जोरों की ठंड लग रही है, क्योंकि धूप बिल्कुल है नहीं, और चारों ओर पीछे पहाड़ी की तरफ भाई भयानक स्नोफॉल हो रही है, और इस मौसम में भाई गर्मा गर्म पकौड़े तो हो जाए ही है। प्याज के पकौड़े तो मजा ही आ जाएगा नहीं तेज भाई, हवा ना आए, हवा आने से दिक्कत है।
है ना, अभी बढ़िया से बेसन के साथ मिक्स कर लेते हैं ना। पहले खाली में मिक्स करो बढ़िया से, पूरा ऐसे ऐसे बस ऐसे पूरा, मतलब ऑनियन जो है ना पूरा सेपरेट होना चाहिए, सेपरेट होके होके बेसन के साथ मिक्स होगा। ये गया बहुत सारा हरी मिर्च, मैं पानी डाल देता हूँ, ठीक है ना, पानी डाल के। और भाई आज हम लोग खाने वाले तेजस भाई के हाथ के पकोड़े है ना तेज भाई, हालांकि मन ही मन हमको गाली दे रहे हो कि भाई मेरे हाथ के पकोड़े के नाम के मेरा हाथ का कचुंबर कर रहे हो तुम यहाँ पे। भाई साहब तेज भाई पकोड़े तो बढ़िया दिख रहे हैं, इंतजार नहीं हो रहा है, जल्दी से बन जाए और खाएंगे। छोड़ा भी नहीं भाई, हम लोग का जोश खत्म हो गया, इतना ठंड लगा बाहर कि आगे दुम दबा के अंदर। लेकिन यहाँ पे कोजी कोजी साथ चारों एक साथ बैठे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, दिखाओ दिखा रहे सीन ऐसा है। यहाँ पे तेज भाई अभी भी पकोड़े तल रहे हैं और सब पूरा कोजी सा अंदर पूरा बैठे हैं। ओम गाज, अरे अरे गिरो मत तेज भाई, कहाँ गया वो, उस साइड उस साइड। हम लोग का जो छन्नी है वो तो पैन से बड़ा है, जिसमें फ्राई करो उससे ज्यादा बड़ा है छन्नी। सिमट दिखाना वाला, गिराओ मत। गाइस हम लोग का बहुत सारा पकोड़े रेडी हो गए और यहाँ पे बाहर का नजारा ना कुछ और ही है, अलग है। भाई साहब देखो इधर, तो हम लोग सोच रहे हैं ये नज़ारे को कैसे ही मिस कर सकते, ये नज़ारे के साथ पकोड़े खाते हैं ना तेज भाई। चलो हाँ वहाँ पे ऊपर चलते, भाई क्या गजब दिख रही है। आ जाओ, ऐसे पकोड़े साला, ऐसे पकोड़े कोई कभी खाए हो बर्फ में आकर? खाए हो तो कमेंट करो, और नहीं खाए हो तो अभी फिर भी कमेंट करो। ठंड में जम रहे और ये गर्मा गर्म पकोड़े और पीटेगा सनसेट गाइस। ओ भाई सुकून, ऑसम, सुकून ना, मजा। अबे एक एक बाइट लेते ही ना ठंड गायब हो गई, ऐसा फील हो रहा है। बढ़िया गजब भाई, ये जो नजारा है वो इधर भी देखो। गौर से देखिए, दोनों ऐसे लग रहे हैं मतलब जेल से भागी हुई है कैदी है, लेकिन ये अभी फिलहाल मतलब ब्रेव सोल्जर है जो जा रहे हैं शहीद होने के लिए। देखो अभी रात के बजे 8 और बाहर टेम्परेचर कुछ नहीं, तो भाई कितना होगा, -4.5 होगा, और हवा बहुत तेज चल रही है, ऐसा लग रहा है हमारा टेंट उड़ जाएगा। तो इन दोनों का अभी ब्रेव सैक्रिफाइस क्या होने वाला है, बाहर जो है ये जो टेंट का तीन साइड में तीन नेल लगाना है, वो काम करने जा रहे हैं। देखो भाई ये है तुषार और ये टिंकू, अगर ये आज आप लोग इसको इन दोनों को लास्ट टाइम के लिए देख रहे हैं तो बाय बाय बोल दो सब। बाय बाय, फिर मिलेंगे। -5 डिग्री सेल्सियस है बाहर का टेम्परेचर, लेकिन हवा इतना तेज है करीब करीब 7-8 डिग्री जैसे ही लगेगा माइनस। जाओ चलो। ओहो भाई, भाई साहब दरवाजा खुलते ही क्या ही खुल गया ऐसा लग रहा है। चलो भाई पूरा हार्ड है ना, पूरा हार्ड, शू पूरा बर्फ है, ये देखो इसके अंदर ही बर्फ। अब इसको पहनना पड़ेगा इस ठंड में पूरा। हाय हाय, जाओ मिशन सक्सेसफुल करके आओ, लौट के आना। स्नो तो पूरा
हार्ड बन गया। वो हो नहीं रहा, नहीं लग नहीं रहा। चलो 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 अंदर चलो। आ गए हमारे ब्रेव खिलाड़ी। अरे भाई फो के कारण ना सारे नील निकल रहे बाहर। कहाँ है ये रद्दो? गाइस देखो यहाँ पे इसको धोना है ना, टिंकू धोगा उसको तो धोने के लिए भी इसको गर्म करना पड़ रहा है। ये हाल है अभी फिलहाल यहाँ के, क्योंकि हम लोग अभी रात का डिनर बनाने वाले। लोग सेटअप बड़ा मजा लग रहा है, चारों चारों कोने में बैठे टेंट के, बीच में खाना बनेगा। तेज भाई आग लगा क्या बना रहे हैं? अभी बनाएंगे बेसन के मतलब सब्जी तो बनाएंगे ना, उसके लिए बेसन का चंग बनाना पड़ेगा, उसको फ्राई करेंगे। अच्छा। वो आइडिया है फिलहाल के लिए, पता नहीं क्या बनेगा। ठीक है ना, बनाते हैं। उल्टा पुल्टा कुछ बन गया ना तो भाई खा लेना। ठीक है, इसमें डल गई बेसन, नमक, किंग सोडा थोड़ा। अब इसमें थोड़ा पानी डालना है, मिलाओ थोड़ा। आटा जैसा पूरा गूंदना है, ठीक है ना। इसको बेसन का जो लंबा लंबा गुठलियाँ बन रहे इसको बढ़िया से पीस पीस करके काटना है और फिर उसको तेल में फ्राई करना है। तो चलो मैं उसके लिए तेल गरम कर लेता हूँ। इसको तो इसे स्क्वायर शेप में कट होना चाहिए, मतलब ऐसे करके, लेकिन हो नहीं रहा। ऐसे क्या बन रहा है? हालांकि जो बन रहा है कुछ तो बन रहा है ना, सब्जी तो बनेगी। बस सब्जी तो बनेगी। हो जाएगा ना? ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। मस्त गर्म लग रहा है टेंट, ऐसे ही आग लगा के सो जाए क्या? लेते हैं उसको हल्का सा अच्छे से। हाँ हाँ उस टाइप का मिलाना है बस, पहले धीरे धीरे। फ्राई हो चुका है, इसको निकाल लेते हैं। ये लग रहा है दिखने में तेज भाई, ये लग रहा है भाई? पूरा आटा गूंदना हो गया, दिखा दो भाई तेज भाई, थोड़ा दिखा दो। देखो बढ़िया से आटा गूंदना, अच्छा पराठा का आटा गूंदना। हाँ हाँ बढ़िया से भाई, तेजस भाई, तेजस भाई स्टाइल। यहाँ पे हम दोनों काम कर रहे हैं और ये दोनों आराम से मजे में बैठे हैं। देखो हम भी तो मजे ले रहे और नहीं तो क्या, हम दोनों ही तो काम कर रहे हैं ना। तुम लोग तो बैठ कैसे, गोप्रो बैठ कैसे ऐसे कर रहे हो? क्या ही करे, हम मजे लेने के लिए आए, क्या ही करे। अरे टिंकू तुम एक काम करो, काटो आराम से, धीरे संभाल के गिर ना जाए, जगह बहुत कम है। ठीक है गाइस, तो चलो अभी बनाते हैं अननोन बेसन की सब्जी। शाही जीरा, शाही जीरा तो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आ नहीं रही है। चलो मूड नहीं है। प्याज फेंक के मारो। ये अभी बारी है, इसमें हल्दी थोड़ा डाल दो, हल्दी, उसके बाद क्यूमिन कोरिएंडर और लाल मिर्च डालो, डालो और थोड़ा। चलो कंजूसी नहीं करने का, ठेके मारने का, ठेके मारने का और सब्सक्राइब करके जाने का। और इसके अंदर डाल देता हमारा बेसन के जो भी बने हैं। अरे अरे पकड़ो पकड़ो टिंकू जिया, गिर गया तो हो गया, बस पता चल जाएगा गिर गया तो। पानी, अरे ये क्या डाले तेजस भाई के ऊपर? नहीं इसके अंदर डालना था तुषार, दुश्मनी दुश्मनी रूम के अंदर धुआं धुआं सब खास ये क्या कर दिया? कहाँ हो गया भाई साहब? पास
टिंकू तो तेजस भाई के ऊपर ही सो गया। बन भी गया हमारा करी बन करी, तो रही है, पता नहीं कुछ तो बन रही है अभी, अच्छा क्या बन रही है, देखो ये बड़े बड़े हो गए। देसी सब्जी बन गया और अभी बनाने की देरी है परोठा। परोठा अभी बनाएंगे परोठा, ठीक है ना। और वो पराठा बनाने के लिए टिंकू बोल रहे इसमें फ्राई करेंगे पराठे, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। एक है बहुत मोटा वाला, शकल पे मत जाओ, पराठे बनेंगे इसमें इसमें। शकल पे मत जाओ है ना। अभी बनने वाले हम लोग का पराठा, ठीक है ना। और पराठा बनाने का जुगाड़ देखो, पहले एक जुगाड़ तो देख लिया वाला, अभी दूसरा जुगाड़, जुगाड़ ये चॉपिंग बोर्ड और बेलन देखो, सिलेंडर होगा ना। तेजस भाई ट्राई करते हैं, इसका उपाय क्या है, कैसे इसको सीप में लाए, इसको उसको इसका उपाय है जल्दी फ्राई करके पेट में डालने का, वरना इससे छोटा रहेगा, बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा। चलो अभी एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं, है ना, थाली से एक्सपेरिमेंट टिंकू जिया। नो आइडिया, ओनली जियो, ओनली जियो। देखो भाई ये क्या हो रहा है, फट क्यों रहा है, अबे पकड़ने के लिए कहाँ है वो वाला, ये तो एक है, ये भाई ये तो अभी से भयानक गर्म हो गया, पराठा बनेगा या क्या बनेगा, बन रही है पराठा, कहाँ कहाँ से पता नहीं, वही तो कहाँ कहाँ से लेके आते हैं, पता चल गया परोठा को बीजेपी कि ये हमका बनने का जगह है नहीं, है नहीं, बन तो जाएगी कैसे भी, बन तो जाएगी भाई कैसे करके, थोड़ा मोटा मोटा पराठे बनेंगे चलेगा ना, इसमें नहीं बन पाएंगे मुझे लग रहा है, जल्दी से जल जाएंगे, बहुत जल्दी, बहुत पतला है ना ये, हाँ बहुत पतला तो है, हमारे 40 पराठे से कोई जल रहा है भाई, जलने की बू आ रही है। मस्त मस्त पराठे बन रहे, गजब गजब, और क्या चाहिए, नहीं एडजस्टमेंट की दुनिया में, काजल काजल ये पराठा तो दिख रहा है, टिंकू बढ़िया बेल रहा है, नहीं बेलने की ड्यूटी मिली टिंकू भाई को, टिंकू भाई इस मौसम में गाना हो जाए मजा आ जाए, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बड़ा, ये पराठे वाला कोई गाना नहीं है क्या, पराठा वाला क्या गाना है, लच्छा पराठा है गाना। ये गई हमारी लास्ट रोटी पराठा, अरे अटक गया कर्ची, अटक गया, इसको पलटाना पड़ेगा, तो थोड़ी देर बाद हम खाएंगे, नहीं नहीं पूरा चला नहीं, अभी नहीं खाएंगे, कल खाएंगे, कल खाएंगे, आज इसको क्रंची बनाएंगे, बाहर के क्रंची बनाएंगे इसको। चलो हमारा सब्जी पराठे सब रेडी हो गए भाई, कितना सारा पराठा बने, पराठे बहुत बने, 8 बनाने वाले थे हम, 16 बन गए पराठे, मतलब ऐसे ओपनली रख रहा हूँ ना, जिसको चाहिए ले लेते हैं, सब्जी दे देता हूँ, पास लाओ थोड़ा, क्या लग रहा है, खुशबू तो मस्त आ रही है, पता नहीं टेस्ट कैसा होगा, ठीक है, हाथ थोड़े, अरे हाथ का क्या, बहुत अच्छे हैं, बढ़िया बढ़िया है। चप्पू बहुत बढ़िया है। मजा ही आ गया, मजा आ गया, नहीं तो तुम लोग भी खाओ, मजा आ गया, नहीं बहुत दिनों बाद पराठे और भाई ये बेसन की सब्जी, मजा आ गया, मजा आ गया। तो चलो क्या ऐसे शूट करना है, हरी मिर्ची का हाँ वो फ्लेवर आ रहा है, मस्त लग रहा है, मसाले का भी आ रहा है, बड़ा मस्त लग रहा है, ये चाहिए था आज के लिए खाना, क्योंकि हम लास्ट 2-3 दिन से पूरा प्रॉपर कुछ खाना खाए नहीं, नहीं नहीं आज के लिए चाहिए था, चलो खाते हैं अभी जल्दी 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 जल्दी, नहीं तो खत्म हो जाएगा, ठंडा भी हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, वही चीज दिक्कत है, हम तो टूट पड़े, Thank you.
गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के करीब 7 बजे होंगे नहीं, और 3-4 घंटे से हेवी स्नोफॉल हो रहा है बाहर। आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद अपना सिचुएशन का जो है ना उसका अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि सिचुएशन अभी थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत बहुत खतरे वाला सिचुएशन है। देखिए आप लोग, यहाँ पे स्नो पूरा टेंट के अंदर भी आ गया है, पूरा भयानक बर्फबारी हो रही है बाहर। हमारा जितना भी सारा सामान वगैरह सब तो भाई आधा ढक गए है पूरा, पता नहीं कैसे क्या लेंगे। और ये देखिए, कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, नथिंग। और ये देखो भाई, टेंट के ऊपर कितना स्नो है। और ये भाई पूरा सूखा स्नो, ड्राई। भाई कुछ भी नहीं दिख रहा है आसपास तेज भाई। तो गाइस, फिलहाल बात यह है कि अब तो बिजली कड़कने की आवाज़ सुन रहे हो, और यहाँ पे इतना ऊपर ना बिजली गिरने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि यहाँ से सेफ जगह पे जाएंगे, जहाँ पे हम फर्स्ट डे रुके थे ना, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे रुकेंगे, क्योंकि नीचे भी नहीं जा सकते। नीचे भी नहीं जा सकते कि पूरा वाइट है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। हम लोग ना नीचे जा सकते हैं ना यहाँ पे रुक सकते हैं। तो हम लोग का बेस्ट ऑप्शन यही है कि हम लोग पहले दिन जहाँ पे रुके थे वहाँ तक जाते हैं, उसके बाद सिचुएशन कैसे क्या बदल रहा है, चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से रहेंगे। हमारे पास उतना खाना वाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और फोरकास्ट में क्या बोला है, 2-3 दिन तीन दिन हैवी स्नोफॉल हुआ तो 3 दिन हम लोग यहाँ पे स्टक होकर रुक जाएंगे। खाना वाना भी है भी नहीं प्रॉपर, ऐसे ही रहना पड़ेगा। देखते क्या होता है, आप लोगों को थोड़ा बहुत अपडेट देते रहेंगे आगे। अभी बंद करते हैं। चलो गाइस, हम लोग फाइनली डिसाइड किए कि सेफ जगह चलते हैं, क्योंकि आप लोग देख पा रहे हैं कितनी भयानक बर्फबारी हो रही है, बहुत ही तेज़ भाई साहब। चारों ओर कुछ नहीं दिख रहा है पूरा। यहाँ पे तेज भाई बोल रहे हैं बिजली गिरने की संभावना ज़्यादा है, और अभी से लेके 3-4 दिन तक पूरा हैवी स्नोफॉल होगा। पहले सेफ जगह पे जाकर पहुँचते हैं, उसके बाद जाकर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। नहीं, और इधर देखिए टिंकू का जो दाढ़ी जम गया है भाई साहब। चलो, ये चीज़ का भी एक्सपीरियंस कर लिए, हम लोग स्टक हो गए। वो जो तुषार तेजस भाई, वो लोग आगे निकल गए, हम लोग थोड़ा सामान लेके पीछे आ रहे थे भाई साहब। चलो, इसका भी अलग ही फीलिंग है, नहीं? ओ भाई, तो चलो, अगर सारा एडवेंचर कर लिया और फाइनली स्नोफॉल में फंस गए, पता नहीं 3-4 दिन, अभी तो बड़ी खुशी से हंसी बोल दे रहे हैं। जब खाना पूरा ख़त्म हो जाएगा, लिटरली बहुत कम है, जब खाना ख़त्म हो जाएगा उसके बाद क्या करें। 3-5 दिन तक अगर ऐसे होता रहा फिर तो दिक्कत है भाई, लेकिन चलो इसका अलग ही स्वाद है, नहीं? सामना करते हैं। चलो चलो चलते हैं, पहले पहुंचते हैं सेफ जगह पे। हाँ। और गाइस, ये जो स्नो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा भुरभुरी स्नो है, देख पा रहे हो? इसके नीचे ये देखिए पूरा ठोस स्नो है, और ऊपर ये पूरा भुरभुरी स्नो है। इसमें पैर फिसलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तुषार इसमें 2-2 बार फिसल गया है, पकड़ लिया अच्छे से भाई साहब। मजे ले रहे हो? यही चीज का तो मजे लेना था, हम लोग ले नहीं पाए। नहीं, बहुत ही मस्त साउंड सुनो है ना भाई, किसी का तो मजा है भाई। अंदर घुसेगा तो फिर हम लोग भाई ये स्टक हो गया, ये मजे ले रहे नहीं बैठ के भाई। ये मतलब कितना मस्त लग रहा है।
भाई पूरा सूखा सूखा है, रेत जैसा मुंह में देखे देखो। अभी अभी संभल के करके आ रहा है। चलो चलो चलते चलते चलो चलो, स्टक हो गए हैं, बाद में मजे लेंगे जब मरने के कगार पे आएंगे, ठीक है। भाई साहब क्या भयानक स्नो स्टॉर्म हो रही है बाहर। ओ भाई थोड़ा इधर हो जाएगा तो भयानक तेज आ रहा है। पूरा एरिया देखिए, बैग के ऊपर बर्फ जम गया है, घर के अंदर सब सॉक्स वगैरह सारे चीज। शू तो भाई तब से ये है, बस इतना सा लकड़ी है, हम लोग बड़े एडजस्ट करके बैठे हैं। और शायद ऐसा लग रहा है ऐसे ही 3-4 दिन तक ऐसे ही स्नोस्टॉर्म होता रहेगा। हमारा टेंट का तो कोई भरोसा नहीं है, अब तक उड़ गया है। मतलब वहाँ पे मेरा 10-12 हज़ार का सामान, तेज भाई का भाई 10-12 हज़ार का सामान, तो मतलब 25-25 हज़ार रुपये यहाँ पे एक कैंपिंग में खत्म। लाइक कर दो इसको, एटलीस्ट शेयर करो, बहुत तेज शेयर करो, क्योंकि हम लोग के पास अभी खाना नहीं है प्रॉपर, 4 दिन यहाँ पे रुकना पड़ेगा। बस एक और किलो चावल है। इस रूम का हालत ऐसा है, अगर इस रूम में अगर टेंट भी होता तो ठंड लगती नहीं, लेकिन रूम का हालत ऐसा है पूरा चारों ओर से खुला है, देख पा रहे हो, पूरा चारों ओर से खुला है और बहुत ही तेज ठंडा हवा अंदर आ रही है। और हम लोग के पास ऐसा कपड़े भी है नहीं कि जो ये ठंड को रोक सके। पता नहीं ये 3-4 दिन हम लोग यहाँ पे कैसे बिताएंगे। लकड़ी भी खत्म, बस इतना है। वहाँ पे एक रखी हुई है और वो दरवाजे पे एक रखी हुई है, फिर उसको हटा देंगे तो फिर हवा आएगा। भाई यहाँ पे तो पूरा बर्फ जम गई है, नहीं ये देखो दरवाजे के पास क्या हाल है। यहाँ से शुरू देखिए गाइस, यहाँ से और ये देखिए पूरा बर्फ जम गया, पूरा ऐसा हाल है। और भाई यहाँ पे जो शॉट लेने आ रहा हूँ भाई, रेनकोट वगैरह पूरा कड़क, मेरा पैर भी जम रहा है। आप लोगों को थोड़ा पीछे स्टॉर्म का कुछ हाल दिखा देता हूँ, कुछ अगर दिखेगा तो, कुछ नहीं दिखेगा शायद, पूरा वाइट ही रहेगा। ओ भाई पूरा वाइट है, एक मिनट, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, कैमरे में दिख रहा होगा तो देख पा रहे हो, पूरा वाइट है। हवा बीच बीच में आ रही है, फिर रुक रही है, फिर आ रही है। ये देखो ऐसे होते हैं स्नोस्टॉर्म, इसे बोलते हैं स्नोस्टॉर्म। ऐसा लग रहा हूँ मैं, एक्सपीरियंस तो जबरदस्त है। तेजस भाई पूरा फुल पैक हो गया, हमारे पास ऐसा ऑप्शन है नहीं। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि देखने की टेंट बचा भी है नहीं। अच्छा उसके लिए जा रहे हो, गुड न्यूज लेके आना तेजस भाई, वरना गए 25,000 रुपए। नहीं कोई टेंशन नहीं, गए भी तो हमारे ऑडियंस लोग जो है इतना शेयर करेंगे वीडियो की कि एक ही वीडियो में टेंट सारा आ जाए, नहीं होगा ना? कर लेंगे बिल्कुल बिल्कुल कर लेंगे, ऑडियंस पे उतना भरोसा है कि ऐसा ना हो कि तेजस भाई को एसिस करते करते हमें उड़ जाए। और यहाँ पे इस रूम में भाई रुकने के भी जगह नहीं, पता नहीं क्या ही करेंगे 3 दिन। उस टाइप तो पूरा बर्फ जमी गई है। हम लोग इस साइड ही कहीं पे इस कोने में चारों को एक साथ, हाँ हाँ वहीं पे, लेकिन चलो इसका अलग ही मजा है। जिंदगी में हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहिए। अभी क्या करते ना, थोड़ा आपको एक्सपीरियंस करते, क्योंकि मेरा पैर सुन पड़ गए। खाली पैर में घूम रहा हूँ आप लोगों को शॉट दिखाने के लिए। आते वक्त ना जो महादेव के जो शरण में जा रहे उसका एक अलग का एक शांति था, लेकिन आज जब यहाँ पे बैठ के भाई यहाँ पे हनुमान चालीसा गाया जा रहा है और हम लोग पूरा भक्ति में मगन, इतना लीन हो चुके हैं ना, मतलब क्या ही बताऊं, लिटरली मगन, पूरा मतलब अल्टीमेट लेवल का। अगर ऐसा हो ना आँख से आंसू भी आ जाएगा, मतलब इतना भक्ति में लीन हो चुके, इतना सही लग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बाहर तूफान है, हम 4-5 दिन यहाँ पे रुक जाए, अटक जाए, फंस जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। ऐसा भक्ति ना मैं आज तक फील नहीं किया, सही बता रहा हूँ देश भाई, सच में बता रहा हूँ, आज तक फील नहीं किया, आज जो फील कर रहा हूँ बहुत ही सुकून मिल रहा है। बजाया भोलेनाथ में सारा कैलाश पर्वत मगन
यह ट्रैक जहाँ से जाना है आगे, यहाँ से गिरे ना सब खत्म। और सामने वाले टॉप पे हमारा टेंट है, देखते हैं वहाँ जाके पता लगेगा टेंट हैवी या नहीं। तो गाइस अभी स्टॉर्म थोड़ा कम हुआ है तो मैं और तेजस भाई दोनों आए देखने के लिए हम लोगों का टेंट अब तक सही सलामत है कि नहीं। अगर गया तो फिर दोनों का मिला के करीब 30,000 का सामान जाएगा आज। नहीं बिल्कुल गया भाई साहब, लग रहा है गया क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज स्नो है। गया ना? हाँ वहीं पे तो हम लोग को लगा हुआ था टेंट। कहीं पे कहाँ पे लगा हुआ था? तो यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे था ये। जगह भी समझ में नहीं आ रहा है। कुछ नहीं है कुछ भाई, यहाँ पे तीन 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 चार फीट का स्नो है। गया कहाँ पे था? जगह भी समझ में नहीं आ रहा है। वो आजू में था लेकिन अच्छी लगी है। पैर का निशान यहाँ पे दिख रहा है हम लोग का, उस पत्थर के पास शायद था। नहीं गया 30,000 का सामान गाइस, दो टेंट उसके साथ और भी सामान थे सारे गए। कुछ भी नहीं दिख रहा है वहाँ पे, यहाँ पे पूरा देखो कुछ भी स्नो नहीं है। पूरा हवा इस तरफ से आया, इस तरफ कम हवा था। नहीं है नहीं है, नथिंग नथिंग दिख रहा है। कुछ ना कुछ दिख रहा है। कहाँ पे? टॉप में दिखना पड़ा है। टेंट कहाँ पे था? वहाँ पे ना। हाँ कुछ दिख रहा है, कुछ दिख तो रहा है भाई साहब। देखिए यहाँ पे कितना धस रहे, यहाँ पे स्नो है ही नहीं, सिर्फ बर्फ है। स्नो इस तरफ है पूरा। तेजस भाई, अरे हाँ एक तो टेंट तो है, हालत खराब है, दोनों है। तेजस भाई ये टेंट है गिर रहा, लेकिन मेरा टेंट का हालत बहुत बुरा है। तेजस भाई का पूरा जैसे का वैसे खड़ा है टेंट। नहीं मेरा वाला दिक्कत है, इस साइड से खुल गया था ना। ओ भाई देखो टेंट पूरा पीछे की तरफ आ गया। ये देखो सब टूट फूट के दिख रहा है यहाँ पे। ये पूरा फट गए, ये निकल गया, ये एक ही चीज से अटका है। देखो ये जो स्ट्रैप लगाए थे हम लोग, इससे अटका है। नहीं हम लोग का टेंट यहाँ पे था, ये रहा यहाँ पे था। रोटियां रोटियां कल पराठे बनाए थे वो बाहर निकल, बस यही पे पूरा उतना तक पूरा लटक के चला गया। मैं बोला था ना सामने मेरा खुला था। थैंक गॉड टेंट बच गया। थैंक गॉड ती सर बच गए। हे भोलेनाथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो गाइज मेरा तेजस भाई ने बहुत सोचे, सोचने के बाद ये नतीजे पर पहुंचे कि हम लोग को यहाँ से सारा टेंट वेंट पैक करके निकल लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से दो दिन बाद ना बहुत तेज स्नोफॉल का अलर्ट है। वो अलर्ट जो है सिटी में है, तो यहाँ पे पहाड़ी में तो भाई एक दिन पहले आ ही सकता है। और अभी बिना अलर्ट का इतना तेज तूफान आया है, स्नो स्टॉर्म आया है, तो सोचो उस टाइम कितना ही आएगा। तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। मन तो कर रहे हैं यहाँ पे वीडियो बनाने का, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई, धूप है कि नहीं है, स्टॉर्म ख़त्म हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इसलिए हम लोग रिस्क लेना नहीं चाहते। जल्दी से अपना टेंट वेंट वगैरह पैक करते हैं, नीचे दूसरा टिंकू है उनको लेके यहाँ से निकलते हैं। ये जो पहाड़ी है बस इसको पहले क्रॉस करना है, उसके बाद बाकी का सोच के देखते हैं कैंपिंग कंटिन्यू करते हैं कि नहीं, नीचे टेंट लगा के कहीं पे। लेकिन पहले यहाँ से निकलना है कि एक्चुअली में थोड़ा बहुत डर लग रहा है। आप लोग तो देखे हो आते वक्त कैसा रास्ता है, जाते वक्त पूरा कुछ नहीं दिख रहा है, पूरा कोहरा हुआ है, पूरा फॉग भरती है, पता नहीं कैसे जाएंगे क्या नहीं वगैरह। डर तो थोड़ा बहुत लग रहा है, लेकिन चलो इसका एक्सपीरियंस अलग ही होता है ना, हर चीज़ का एक्सपीरियंस है ना। पता चल गया। यहाँ देखो ये कमर तक गया मैं अंदर। ओ भाई गड्ढा था यहाँ पे। हाँ गड्ढा
गड्ढा? हाँ गड्ढा में घुस गए? घुस गए। अरे मौसम को पता चल गया? मौसम को पता चल गया? हम जा रहे हैं। मौसम को पता चल गया? ये शिवजी और 3 घंटे टाइम दे दो।